Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from. Welcome back to Mazaaq Raat. हमारे साथ मौजूद हैं द किंग खान और काजोल जी. अब उनके होते हुए आप मुझे तो देखेंगे नहीं. Over to you, Mr. Wase. Sir, आप जानते हैं, I'm sure कि आप कितने popular हैं. नहीं, बिल्कुल नहीं. बोलिए ना, बताइए. थोड़ी तारीफ कीजिए ना. मैं बताऊंगा. सर, गिलगित एक जगह है नॉर्दर्न एरियाज में पाकिस्तान के, गिलगित से लेकर कराची तक. उसके अंदर आपकी पॉपुलैरिटी का आलम यह है कि गर्ल कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर और जो खवातीन आपकी फैंस हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो नाइयों तक की दुकान है उसके अंदर आपका पोस्टर मैं पिछले तकरीबन 20 साल से देख रहा हूं कि शाहरुख खान वाला हेयर कट आज तक वहीं पे है. बीच में इतने स्पाइक्स आए, चले गए, ये वो हो गया. मतलब इससे अंदाजा आप लगा लें कि गिलगित में भी कुछ आता है कि मेरे ये खास एक साथ लगा था कि ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए. एक्चुअली शाहरुख एक लौते हीरो है हमारे, जिनके बाल है. बालों की दुकान में तो लगूंगा ना यार. अच्छा, देवगन साहब भी गंजे हैं. इसका मतलब तो यही है यार, बड़ी सच बोलती. अगर हमारे चचा की भी हर बार्बर शॉप पे हो तस्वीर तो ऐसा हेयर कट दे दें हमें. तो कोई अकल वाली गल कर नहीं. उन्होंने ना मोहब्बत है शाहरुख खान के लिए, उस तरह से शाहरुख लेके आया. ज्यादा नहीं है, सिर्फ शाहरुख की तस्वीर हर नाई की दुकान पे. शाहरुख कुछ भी नहीं. शाहरुख भी नहीं मेनू पसंद, शाहरुख नहीं पसंद, मोहम्मद राणा भी नहीं मेनू पसंद. अच्छा, जिला की समझ नहीं आती. बोलते कि नहीं, इतनी जल्दी बोलते लगता है वो बंदे ने ट्रेन पढ़नी है. बहुत प्यार करता हूँ मैं कर्मिन को तुझे. खुदा हाफिज, मुझे भूला नहीं. खुदा इतना प्यार तुमने मुझे शो पे लाकर दिया ना, किसी ने दिया. मैं जब मिलता हूँ लोगों से लंदन में, अमेरिका में, बाहर देशों में, सब बोलते हैं आपको ये अवार्ड मिला, आपको ये रिवॉर्ड मिला, उस वाले फंक्शन पे आपको बुलाया गया, यहाँ पे आपको आपकी तारीफ की. तुमने मुझे बताया कि मैं जो हूँ हर बार्बर शॉप के अंदर. मतलब यार मतलब दिल छू गया तुमने मुझे. बहुत बहुत मेरे बड़े दिल को छू गया. बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा यार. वो भी तुमने साइड में कर दिया कि जो ख्वातीन हैं, लड़कियां, उनका कोई बात नहीं, लेकिन आपके जो बाल हैं. थैंक यू. लोगों ने मेरा वैसे ही जो टैलेंट है या तो हाथों में निकाल दिया या डिंपल्स उड़ा दिया है, तुमने बालों में आज उड़ा दिया. थैंक यू भाई. बालों के स्टाइल बनाते लोग इस तरह के देखकर. ये भी शाहरुख खान की तारीफ की है. हाँ, वरना कौन पूछता किसी से. बहुत बहुत सस्ती प्रोडक्ट के ऊपर शाहरुख खान साहब की तस्वीर आती है. होती है बिल्कुल. तस्वीर आती है चाचे की, किस पे? मौत का मंजर. एक और चीज, आपको एक चीज का अंदाजा है कि आपने एक बड़ी जबरदस्त जनरेशन ऑफ बडिंग एक्टर्स का, इफ आई मे यूज द वर्ड, सत्यानाश कर दिया. क्योंकि वो बहुत से लोग थे जो शाहरुख खान बनने के चक्कर में वो अपनी एक्टिंग भी निकल गई आगे. वहां तो आप सही थे, माशाल्लाह आप मौजूद हैं भी, अल्लाह आपको कायम रखे. लेकिन जो वो बड़ी एक आपने जनरेशन जाया की एक्टर्स की, इंस्पायर तो नहीं मैं वर्ड कहूंगा, ये वो वाले थे जो जाया हो गए बीच में. नहीं यार, क्या होता है कि जैसे तुम्हें मालूम है 50 साल का हो गया हूँ, तो ये जवान लड़के थे, तो मुझे कभी कभी लगता है एक्शन वगैरह सीक्वेंसेस के अंदर डुप्लीकेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने उनको रखा हुआ है. फिर आप तैयार हो जाएं, आपको जल्दी एक डुप्लीकेट. हमारे पास भी है वैसे, पाकिस्तान में भी शाहरुख साहब के डुप्लीकेट तो. हाँ जी, तो है शाहरुख खान, लेकिन बेचारा दिहाड़ी नु तरसन डया होता. ये नसीबों की बात है ना. ओही शक्ल है, ओही कपड़े ने, अरबा पति करोड़ा पति साढ़े. ओही शाहरुख बेचारे नाम लैके हलीम वाले कह दें इस पे खाली चमचा जोर से मार रहा. सर, आपकी केमिस्ट्री दोनों की दिल वाले दुल्हनिया से चलना शुरू हुई है, और इस केमिस्ट्री ने आई एम श्योर यू गाइस नो बहुत से लोगों को दिल मिलाए, और उनकी शादियां हुई और जोड़े बने. हर किसी को अपने में काजल नजर आती थी, हर किसी को एक राज नजर आता था, राज सिमरन चलता रहा. ये बड़ा आपने जहां जोड़े मिलवाए बहुत, वहां पे आप बहुत से मर्द हजरात को आपसे ये शिकवा भी रहा होगा कि मैं कहां से अंदर अपने एक शाहरुख खान निकालूं. डीवीडी लाके देनी थी. आई मस्ट से मैं खुद भी इसका एक विक्टिम रह चुका हुआ हूं, तो मैं अब कहां से राज वाला कोई कुछ करूं. मैं तो नहीं मैनेज कर सकता, ये बहुत मुश्किल है. ये डिमांड इज एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लिव अप टू इट. And that's why there's only one Shahrukh Khan. Who will make them understand? हाँ, मतलब हो गई, हो गई. हाँ, वो जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने बहुत मदद की है यार. मतलब बड़ा मुश्किल होता है किसी एक आम आदमी को, चलो यार
हम चलते हैं पहाड़ों पे चल के तुम्हारी साड़ियों का दुपट्टा उठाऊं, तुम्हारे पैरों पे लेट जाऊं, तुम्हारे को यूरो रेल में लेके चले जाऊं, तुमको गिफ्ट दूं, लेदर की जैकेट पहन के हाली डेविडसन के प्लेन के पीछे भागूं, थोड़ी तकलीफ होती है। नाउ 2015 में आपने दिल वाले बनाई है, ये 20 साल बाद आपने ये बनाई, तो अब क्या अगली फिल्म में आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि नाम में से और दिल वाले भी निकल जाएगा? मतलब ले जाएंगे तो अजीब सा ही लगेगा, और दुल्हन में तो ये हीरो नहीं हो सकता है। ले जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा चीप हो जाएगा, बहुत मतलब शाहरुख खान अब छोड़ देंगे इसके बाद। वो तीसरा पार्ट ये दिलवाले और दिलवाले ले लिया है, बाकी हम अब छोड़ देंगे, ले जाएंगे और दिलवाले नहीं करेंगे। आपके बारे में मैंने कहीं पढ़ा कि संजय लीला भंसाली ने कहा था कि शाहरुख की आंखें बहुत शरारती हैं। पहले तो ये कि आपने उनको आंखें ऐसी क्यों दिखाई कि उन्होंने ये इतना रीड किया? मेरी किस्मत देखो, कोई औरत नहीं कहती, मर्द ही कहते हैं। आपको लगता है इनकी आंखें शरारती हैं ऐसी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि इनकी आंखें बहुत शरारती हैं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मर्द भी सोचते हैं कि उनकी आंखें बहुत शरारती हैं। सर ये बड़ा एक वैसे कोइंसिडेंस भी आप समझते हैं कि जब आप कोई इस तरह करने लगते हैं तो ये भंसाली साहब भी आपके साथ लैंड करते हैं उसी टाइम पे, ऐसा क्या है? आपने कभी समझाया नहीं उनको साइड पे ले जाके कि यार भाई हफ्ता आगे पीछे कर लो, मैं क्यों, मेरे साथ क्यों मार्क करके बैठे हुए तुम? यार मैं सबको समझाता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ कि प्लीज जो मैं फिल्म बनाता हूँ उससे मैं बड़ी मेहनत से बनाता हूँ और मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता अपनी फिल्म के अंदर, फिल्म कभी मैं 25 साल से फिल्म बना रहा हूँ यार, तो गलत होती है सही होती है, तो मैं सबसे बहुत झुक के पूछता हूँ कि यार थोड़ा आगे पीछे कर लो, लेकिन हर कोई को लगता है कि वो मेरी बात सुनते नहीं है, मेरी आंखों में देखते रह जाते हैं। मजाक कर रहे हैं, तो मैं सबको बोलता हूँ यार ऐसा मत करो, फिर भंसाली का भी क्या मेरी आंखों में खो गए, उन्होंने लव्स नहीं सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आ गया चल के, तो मैंने उसको बाद में फोन में संजय मैंने बोला था क्या कहा था मैंने तुम्हारी आंखों में तो देवा। सर म्यूजिक आप पाकिस्तानी, डू यू गाइज लिसन टू, डू यू हैव एनी पर्सनल लाइकिंग्स इन पाकिस्तानी म्यूजिक? यार मेरे तो नुसरत साहब ऑफकोर्स, गुलाम अली साहब उनको मैं जानता भी हूँ, और बड़े गुलाम अली साहब भी, और मेहदी हसन जी, मैं तो बहुत सालों से हमारे घर में बजता था लाइक पर्सनली, बट अभी रिसेंटली हमारे टाइम से नुसरत साहब के मैंने बहुत गाने। कोई नुसरत साहब का गाना जो हमारा डीजे आपके लिए प्ले कर सके? तुम्हें मालूम है आई लव एक्चुअली तेरे बिना नहीं जीना, नहीं लगता दिल मेरा सोनिया। नहीं बुरी बात, वासे चौधरी साहब दुबई गए हैं। अच्छा तो दुबई वाले कितने गए? देखो दुबई च कितनी गर्मी पैंदी, शाहरुख खान का तितर बन गया। जैसे पूरी दुनिया में नाम है ना जी अपना, हाँ। किसका? अमिताभ का। हाँ जी। ऐसे मियां ज़रफ निर्गो क्रिस गेल की सास आई। क्या बात है, आज ना कोई मेहमान है ना डीजे है, बस बैठी कर गया डीजे। क्या हो गया आपको? स्क्रीन स्क्रीन में निर्गोली साहब हौसला कितने? माशाल्लाह खान किंग खान है। हाँ सेम लाइक मी। नहीं कादर के साथ क्यों बैठा है यार? खुदा के बंदे काजल के साथ उसके लेवल का आदमी होना चाहिए। जैसे के मियां ज़रफ निर्गो। शाहरुख खान है, किंग खान। मैं समझ लीजिए वो बंदा है ना जिसके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस लगी हुई है। ये इसकी गलत फहमी है। क्यों? इसके लिए तो मियां ज़रफ निर्गो अकेले काफी है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? काजल की।
Your favorite director, Aditya Chopra, Karan Johar or Ajay Devgan? Ajay ke khilaaf ek lafz nahi sun sakte. Bilkul. मुज़ाकरात में एक बार फिर खुशामदीद, हमने आपसे वादा किया था कि जब हम वापस आएंगे तो काजोल जी और द किंग खान के साथ खेलेंगे 2020. जी मिस्टर वासे, पहले मैं किससे स्टार्ट करूं आप बताइए. मैडम, योर फेवरेट डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा, करण जौहर और अजय देवगन. रब झूठ ना बोल, रब झूठ ना बोल. अजय देवगन, ठीक है. अजय के खिलाफ हम एक लफ्ज नहीं सुन सकते. बिल्कुल. मोस्ट गुड लुकिंग न्यू हीरो, सिद्धार्थ मल्होत्रा, फवाद खान, रणबीर कपूर और रणबीर सिंह. आई थिंक सिद्धार्थ मल्होत्रा. आई मीन मॉडल के हिसाब से, जो फीचर के हिसाब से, आई वुड से सिद्धार्थ मल्होत्रा. योर प्रेफरेंस, आई मीन आपको गुड लुकिंग में से कौन सा लगता है? आई वुड से सिद्धार्थ मल्होत्रा. हु इज द मोस्ट इंटेंस एक्टर आउट ऑफ दीज, अजय देवगन, मिस्टर इरफान खान, मिस्टर आमिर खान और मिस्टर शाहरुख खान? इसके बाद मुझे चाहिए, अगर इस बार अजय बोला तो चेहरा मत दिखाना, जान ले लूंगा. भाई इनका मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे अजय, जब मेरे अजय तो इनका भी इंटेंस एक्टर डिसाइड हो चुका ना यार. पिछले सवाल में हुआ था इंटेंस एक्टर, वैसे तो ना बार बार बदलता रहेगा. नहीं, वो जगत जगत इंटेंस एक्टर है. न्यूट्रल नाम देना चाहे तो आप. नहीं, आई वुड से इंटेंसिटी वाइज आई वुड से अजय देवगन फॉर श्योर. और मैंने तो रियल लाइफ में भी देखा हुआ है. माजी सटकी, माजी सटकी. इतने इंटेंस हैं जितने वो फिल्मों में आते हैं. बिल्कुल. इसके सामने नहीं है, हमारे को दिखाते हैं फिल्मों में. अच्छा ये बताइए, शाहरुख खान साहब की कौन सी फिल्म आप अपनी डीवीडी कलेक्शन में इनमें से रखना चाहेंगे? इंग्लिश बाबू देसी में गुड्डू या दुश्मन दुनिया का? धोखा था मेरे साथ, लेकिन गुड्डू मेरी थी, गेस्ट अपीयरेंस था, लेकिन वो कुछ ऐसे हमारे पिक्चर बन गई थी सलमान और मैं उसके अंदर. नहीं नहीं, प्लीज प्लीज गुड्डू. इन एक्ट्रेसेस में किसका काम देखने के लिए आप लुक फॉरवर्ड करती हैं? बिकॉज आप हमेशा हिल जाती हैं जब भी देखती हैं इनका काम. सनी लियोन, मलिका शरावत या राखी सावंत? जी आपका. हाँ, मुझसे हिलना डुलना मत पूछो, बता दूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. ये फैमिली प्रोग्राम है, बहुत खराब लगेगा कि मैं हिल जाता हूँ. मुझे लगता है कि इट विल डेफिनेटली बी राखी सावंत. सर, आपके ख्याल में कौन सा डायरेक्टर इनमें से ज्यादा बेहतर है, संजय लीला भंसाली, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर या राजू हिरानी? दो कर सकते हैं, एक कर लें तो बेहतर होगा. आदित्य जौहर. ये अब बनेंगे कैसे, ये अब मुझे नहीं पता. वो तुम कर लेना यार, अब तुमने जवाब पूछा, जवाब दे दिया मैंने. ठीक है सर. इनमें से किस यंग डायरेक्टर के साथ फिल्म करना चाहेंगे, अयान मुखर्जी, इम्तियाज अली या मनीष शर्मा? मनीष के साथ मैं कर ही रहा हूँ. अयान मेरे बहुत प्यारे हैं, एक्चुअली उनको फिल्मों में मैं लेकर आया हूँ इन अ वे, और शायद मैं इम्तियाज के साथ ऑलरेडी कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह अयान के साथ. वेरी सेफ, ठीक है जी. सर, इनमें से कौन सा एक्टर आपको सबसे ज्यादा इंटेंस लगता है, आमिर खान, इरफान खान या अजय देवगन? रब झूठ ना बुलाए, क्योंकि काजल के साथ बैठा हूँ अजय देवगन. ठीक है. और सर, इनमें से काजल की कौन सी फिल्म आपको पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और आप उसकी डीवीडी अपनी पर्सनल कलेक्शन में रखना चाहेंगे? ये तीन फिल्में हैं, आप बता दीजिएगा. सर, उधार की जिंदगी, ताकत या बंबई का बाबू? नॉट ताकत एंड नॉट बंबई का बाबू. मुझे पहले सवाल इनसे ये पूछना है कि तुमने ये फिल्में की? तुमने ये फिल्में की? ये 5-7 साल जो मैं जाता हूँ तुम्हारी जिंदगी से, तुम ऐसी फिल्में कर लेती हो? प्लीज बताए मुझे, कास्ट मुझे कहानी सुना दो इस पिक्चर की. क्योंकि अभी काजल ने शो से पहले बोला ना मैंने रोहित के लिए ना शाहरुख, मैंने कहानी के लिए ये पिक्चर की कहानी बताई मुझे. उधार की जिंदगी में इनके साथ जितेंद्र बोस थे, ताकत के अंदर धर्मेंद्र साहब एंड शत्रुघ्न सिन्हा थे, और बंबई का बाबू में सैफ अली खान थे. तो फिर तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि तुमने तीनों फिल्म. बट उधार की जिंदगी में चाहूंगा कि डीवीडी रखो. मुझे तो एक्चुअली लग रहा है कि जो रोल इन्होंने प्ले किया मैं करना चाहूंगा. इन्होंने उधार का रोल किया था कि जिंदगी का, जो भी किया मैं करना चाहूंगा. किस जोड़ी में नेक्स्ट रोमांटिक जोड़ी होने का आपको दम लगता है, आपको केमिस्ट्री लगती है? रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और दीपिका, रणबीर कपूर एंड दीपिका, सोनम कपूर और फवाद खान, और आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा? मेरे को एक्चुअली लगता है आराध्या और अबराम खान. अच्छा, हमारी चॉइसेस में है ये. फ्यूचर विजन इतना आपने अबराम इज यंगर देन आराध्या. क्या फर्क पड़ रहा है, तू भी तो है यंगर मुझसे.
You can do it. Amitabh, you can romance me if I was younger. Would you not? I would. That's beside the point. That's beside the point. What do you think? What do you think of the scenes in love? No, absolutely. Which actress of these is the prettiest in your opinion? Jacqueline Fernandez, Katrina Kaif, Deepika Padukone, Mahira Khan or Kajol? अगर झूठ लग रहा है काजल से मैं तो मतलब झूठ बुलवा ही रहा है लाइफ में कितना यूज करेंगे आप सच कह रहा शी इज द प्रीटीस्ट आंखें देखो यार मैं दुनिया में बोलता हूँ कि दुनिया में ऐसी चार आंखें कहीं मिल जाए ना एक जगह पर इतने करीब ऐसी चार आंखें कहीं नहीं मिल सकती एक ऐसी आंखें कहीं नहीं मिल सकती लास्ट क्वेश्चन व्हाट डू थिंक इज अ बेटर एक्टर नसीरुद्दीन शाह और मिस्टर अमिताभ बच्चन बड़े कंस्ट्रक्टिव से चॉइसेस दिए हैं यही तो और भी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं दोनों मैं फिर कर सकता हूँ अमिताभ शाह बट मैं अभी नहीं करूंगा बट मुझे क्योंकि मैं बड़ा होते वक्त मैं अमित जी को बहुत देखा और क्योंकि वो उन्होंने दोनों बैलेंस की है कमर्शियल और ऑफ बीट फिल्म्स भी तो एक्टर वाइज नहीं आई थिंक जस्ट एज अ ग्रेट परफॉर्मर एज एन एक्टर एज जस्ट अ पर्सोना ही इज फैंटास्टिक नसीर भाई भी अच्छे हैं लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो उन्होंने एक तरह की फिल्म में एक्सेप्ट सो ही इज डन स्टफ बट आई थिंक इफ आई वाज टू लुक एट वैरायटी आई थिंक अमित जी इज ऑफर इट टू नॉट ओनली इंडिया टू मी आई थिंक टू द होल वर्ल्ड मच मोर देन एनीबडी थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच आई थिंक बोथ ऑफ यू प्लेड रियली वेल आई मीन आई वुड लाइक टू सी एक्चुअली डीजे वाले बाबू मेरा गाना सुना दे तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां से पूरे मैं गाऊंगा तो तू क्या कहेगा